हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अन अकेडमी के इस सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, मैं हूँ नदीम खान। आइए शुरू करते हैं, लेट अस क्रैक इट। ये यूपीएससी सीएससी हिंदी है। यहाँ से आप हमारे बारे में जान सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद नदीम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और मैं बताऊं कि मैं पिछले 11 सालों से यूपीएससी सीएससी के लिए टीचिंग का वर्क कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कई इंस्टीट्यूशन में मुझे पढ़ाने का गौरव हासिल है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अनअकैडमी है वो आपको कितने प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है वो आप देख सकते हैं, जिनमें लाइव क्लास, क्विज़ हैं। और ये हमारे अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं जो अलग अलग विषयों की क्लासेस ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो स्टूडेंट जो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ना चाहते हैं, वो लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और अनअकैडमी के इस शानदार प्रोग्राम का, एजुकेशन प्रोग्राम का लाभ उठा लें। और यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी का ये ऑनलाइन प्रोग्राम उन बच्चों के लिए वरदान है जो हिंदुस्तान के बड़े शहरों तक पढ़ाई के लिए नहीं आ सकते, प्रिपरेशन नहीं कर सकते सिविल सर्विसेज की या किसी भी कंपटीशन की। और या मेरा मानना है कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म शानदार है। मेरा मानना है कि हर बच्चे जो अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो या तो साल भर का सब्सक्रिप्शन ले या 2 साल का ले। एज ए सिविल एक्सपर्ट मेरा मानना है कि ये साल भर और 2 साल का प्रोग्राम उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में वक्त लगता है, समय लगता है इसकी प्रिपरेशन में। इसलिए आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। और मेरा प्रोमो कोड नीचे दिख रहा है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड MNUS यूज़ करते हैं और इसे सब्सक्रिप्शन प्लान लेते समय टाइप करते हैं, तो आपको 10% का सीधा जो लाभ है वो प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक मेरा सजेशन है कि आप ज़रूर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जो आपके भविष्य के लिए बेहतरीन है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी हिंदी प्री के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूपीएससी जो है वो नया जो डेट है वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम का अनाउंसमेंट करने जा रही है। तो बहुत से बच्चे हैं, जी हाँ, जो कि सोच रहे होंगे इस चीज़ के बारे में कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे हालात हैं। जैसे कि इस समय लॉकडाउन के हालात पूरे दुनिया में थे, बच्चों की पढ़ाइयाँ बाधित हुई हैं। तो एक हमारी टीम का ये मानना है, अनअकैडमी का मानना है कि बच्चों को हर टीचर की तरफ से एक सजेशन दिया जाए कि वो इतने समय में किस तरह से अपनी तैयारी करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो उन्हें मिल सके। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं बेटा कि प्रिपरेशन का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करूं, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि शॉर्टकट है या फिर जो है कोई आसान रास्ता है, या आप गाइड पढ़ के या स्पेक्ट्रम पढ़ के या फिर जो है आप यूनिक की किताबें पढ़ के आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो देखिए मैं बेटा आप लोगों को बताऊं कि अब जो दौर है ये दौर दूसरा है। इस वक्त यूपीएससी का मिजाज बदल चुका है, उसने इस तरह के सवालों को बिल्कुल बाहर कर दिया है जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे। जितने भी सवाल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, सब के सब जो है वो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा बच्चों से ये सलाह है कि पहली चीज़ तो आपसे मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए वो मकान जिसका बुनियाद मजबूत नहीं होता, मेरी बात को गौर से सुनना आप लोग,
वो मकान जिसका बुनियाद मजबूत नहीं होता वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाता और एक ना एक दिन वो मकान धराशायी हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी प्रिपरेशन होती है। मेरा मानना है कि प्रिपरेशन के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपके पास एनसीईआरटी की जो बुक है वो होनी चाहिए। अब बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी की जो बुक ली जाए वो किस किस क्लास की ली जाए। तो देखो बेटा, अगर यूपीएससी देना है, अगर आईएएस बनना है, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो बुक है वो आप ले लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक एकदम मस्ट है। अब एनसीईआरटी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सब कुछ शामिल है बेटा। एक चीज़ और बच्चे कहते हैं कि सर जो साइंस की एनसीईआरटी है वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक लें। तो मैं आपको बताऊँ कि साइंस की एनसीईआरटी जो है वो क्लास 8, 9 और 10 ये ले लीजिए, क्योंकि ना यूपीएससी का जो सामान्य अध्ययन का मिजाज है वो 8, 9, 10 साइंस को ही लेकर इसी लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको साइंस का 11, 12 का बुक नहीं पढ़ना है क्योंकि उस लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट को जो मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं वो बात मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप स्क्रीन पे अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप ज़रूर एक अपनी तरफ से कोई जी हाँ इशारा कर दीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप मेरी बात ठीक से सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा कि अब जब आप मकान की बुनियाद बना लेते हो, जब मकान में ईंट और पत्थर और तमाम चीज़ें मजबूती से डाल दी जाती हैं, तो अब जो होता है कि अब इस पर जो निर्माण की प्रक्रिया है, जो मकान बनाने की जो प्रक्रिया है वो अब इस पर शुरू की जाती है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? देखिए, जब आप बुनियाद रखोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ोगे, तो इसमें समय लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा घर बनाने में, बुनियाद डालने में इतना टाइम लग गया कि क्या बताएं। देखिए, उसमें घबराना नीचे, बुनियाद डालने में समय लगता है। और बुनियाद डालने के समय जब आप बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो, अगर टाइम लग रहा है तो ये आपके लिए बहुत गुड है। इसलिए कि एक बार अगर आपने बेस अपना क्लियर कर लिया, बना लिया, तो फिर उस पर मकान बनने में, फिर उसमें आगे बढ़ने में वक्त नहीं लगता। वो बच्चे जो बिल्कुल गाइड या जो है स्पेक्ट्रम या फिर जो है लूसेंट, वो तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें फिर बैक आना पड़ता है। और एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी जो दिक्कत है वो आगे चल के होने वाली। एक बात मैं आपको बताऊं कि शाहजहां के ज़माने की बात है, चूँकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरी बातों में हिस्ट्री शामिल नहीं है तो आपको लगेगा कि सर। तो मैं बता रहा था कि एक बार शाहजहां के ज़माने की बात है, शासनकाल की बात है, जब लाल किला बन रहा था। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनाया बेटा? वो बनाया है शाहजहां ने, है ना। तो लाल किला जब बन रहा था तो कुछ मजदूरों ने शिकायत की शाहजहां से कि बादशाह सलामत, एक मजदूर आपका ऐसा है जो दिन भर में 10 से 12 से 15 ईंटें रखता है और हम जो है 100-100 ईंट रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि वो काम बहुत स्लो कर रहा है और हम उसके बनिस्बत, उसके जो मुकाबले बहुत तेज़ काम कर रहे हैं। शाहजहां आया, शाहजहां भाई बादशाह ने सुना तो उसे भी लगा कि यार ये क्या बात है कि आप 10 से 12 ईंट रख रहे हैं, कोई 100 रख रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि बादशाह जब आया, आने के बाद उसने उस मजदूर से कहा कि भाई आपकी शिकायत आई है, आप काम बहुत स्लो करते, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। भाई मजदूर कह रहे हैं कि वो एक दिन में 100-150 ईंट रखते हैं, आप 10-12, 15-20, ये क्या है? हम समझ नहीं पा रहे। तो उस मजदूर ने शाहजहां से कहा कि बादशाह सलामत, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं अपनी तरफ से सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि काम बोलता है। मेरी बात समझ में आ गया ना? काम बोलता है। इंसान का जो काम होता है वो बोलता है। जो करने वाले लोग होते हैं ना
वो कभी सफाई नहीं देते, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, आप एक काम करिए, ये रंभा उठाइए, रंभा तो आपको पता ही होगा कि ईंट वगैरह तोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो कहा कि ये रंभा उठाइए और रंभे से आप मेरी बनाई दीवार पे मारिए और उनकी बनाई दीवार पे मारिए, फर्क आपको समझ में आ जाएगा। तो बादशाह ने रंभा उठाया और उन लोगों की दीवार पे, जिस जो मजदूर कम ईंट पे काम कर रहे थे उनके दीवार पे मारा, तो ईंट कट के निकले लेकिन ईंट टूटे नहीं और दीवार खड़ी की खड़ी रही। अब उस मजदूर ने कहा कि अब उनके दीवार पे मारिए, तो एक रंभा दो रंभे मारने पे बाद पूरी दीवार जो है वो बहरा गई, वो पूरी गिर गई। तो दीवार जो मजदूर जिसकी शिकायत की गई थी, उसने शाहजहां से कहा कि बात इसकी नहीं है कि दीवार कितनी ऊंची है, बात इसकी है कि दीवार कितनी मजबूत है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, और बेसिक चीज़ें क्लियर करने में, बुनियाद डालने में समय लगता है। तो आपने देखा बेटा कि मैं जो चीज़ बता रहा था उसको ध्यान देना है कि आपको जो NCERT की बुक्स हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत कायदे से पढ़ना है। अब देखिए, आप कहोगे कि सर बच्चे बहुत से पूछते हैं हम लोगों से कि सर ये बताइए कैसे पढ़ा जाए, जो पढ़ाई की जाए वो कैसे की जाए सर, कुछ इसका हमें गाइडलाइन करिए। तो देखो बेटा, पढ़ाई UPSC कहती है आपसे, पढ़ाई देखो दो तरह की होती है। एक होता है कि जब आदमी केवल पढ़ाई करता है, केवल जो है वो बुक पढ़ा और उसके बाद जो है छोड़ दिया, तो ये पढ़ाई UPSC के लिए ये पढ़ाई आवश्यक नहीं है। UPSC कहती है कि पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद UPSC कहती है कि उसके बाद जो है आप समझिए, तब उसके बाद जो है आप UPSC में बैठिए, तब आप जो है IAS के एग्जाम में आप बैठिए। मतलब समझ में आ गया, पहले पढ़िए। समझने का मतलब यह है कि एनालिसिस बेटा करना चाहिए, मतलब कोई भी NCERT की बुक आप पढ़ रहे हो तो उसको एनालिसिस करो, मतलब मनन करो। एक शब्द बेटा आपने सुना होगा, देखिए एक शब्द होता है चिंतन, सॉरी एक शब्द होता है बेटा चिंतन और मनन, ठीक है ना, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैं यहाँ स्क्रीन पे लिखता हूँ, एक शब्द होता है चिंतन, है ना, और एक शब्द होता है मन, एक शब्द होता है मनन, है ना। तो चिंतन और जो मनन है वो आपको करना है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं एनालिसिस करना, इसी को कहते हैं सोचना किसी चीज के बारे में। समझ में आ रहा है बेटा, चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, ठीक है ना। तो चिंतन जो और मनन है, थोड़ा सा लिखने में चीजें जो है स्लिप हो रही हैं, परेशान मत होइएगा, चिंतन और मनन है ना वो होना चाहिए, आप उसके बारे में सोचिए, मनन करिए। तो ये क्या है बेटा, ज़रूरी है UPSC CSE के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप मनन नहीं करते, अगर आप चिंतन नहीं करते, आप सिर्फ बुक्स को पढ़ते हो और बुक्स को पढ़ के आप हटा देते हो, तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन बाधित हो जाएगा, आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। और मेरा मानना है कि रटी हुई चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत देर तक आपके जो जहन है, आपके जो दिमाग है, उसमें बहुत देर तक स्टे नहीं हो पाते, ठीक है ना बेटा। तो आई होप मेरी बात जो है वो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लीजिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ऊपर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने प्राचीन भारत के इतिहास की बात की है ना। तो NCERT में मान लीजिए हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री के लिए आप कौन सी NCERT लो? तो हिस्ट्री के लिए स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ देखो प्राचीन भारत का इतिहास है ना,
ये देखिए, तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो आपको लेना है डॉक्टर राम शरण शर्मा का, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो भी जो है ले सकता है, इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है। और अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी इसे ले सकता है, हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। और हमेशा याद रखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी आपको लेनी है, ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है, नई एनसीईआरटी आप लोगों को नहीं लेनी है। इस बात को गौर से समझ लेना। किस चीज़ की बेटा? इतिहास की। बाकी विषय की ले लो, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जी हाँ, वो भी पढ़ना है आपको। बहुत से बच्चों का ये कहना रहता है कि सर मध्यकाल से तो क्वेश्चन बहुत कम आते। देखो बेटा, क्वेश्चन कम आना ज़्यादा आना ये टेंशन नहीं है। अगर सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन किया है ये चीज है तो उससे क्वेश्चन आएगा। मान लो आपने, मान लो मध्यकाल नहीं पढ़ा और सवाल आ गया, तब तो गया ना। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का मिडावल से निकल गया। तो जब लड़ाई जो है वो पॉइंट से चल रही है, एक क्वेश्चन से अंदर बाहर आदमी हो रहा है, तो फिर 4-5 क्वेश्चन का जाना बड़ा ही खल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ध्यान रखिए, कभी भी इस आप मुगलते में मत पड़िए कि आपका जो सवाल है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से नहीं आता। जरूर आता है, इसको पढ़ना। अब देखिए नीचे, आधुनिक भारत का इतिहास। तो सिविल सेवा का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उसका ऑप्शनल हिस्ट्री हो या ना हो, उसको मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में डॉक्टर विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है वो आप ले लीजिए। विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए एकदम सफिशिएंट होगी। मेरा मानना है कि उससे बहुत से सवाल आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब से जो है वो चेंजिंग हुई है यूपीएससी में, जब से बदलाव हुआ है, तो थोड़ा सा सवाल आधुनिक भारत से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा बुक के तौर पे मैं आपसे बताऊं कि आप ना डॉक्टर बीएल ग्रोवर और यशपाल की बुक ले लेना, क्योंकि ये आपके पीटी के लिए बहुत शानदार मानी जाती है। डॉक्टर बीएल ग्रोवर और यशपाल, ये बुक ज़रूर आप लोग ले लेना बेटा, ठीक है ना, बीएल ग्रोवर और यशपाल, बीएल ग्रोवर और यशपाल, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जरा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चीज देखिए, एक और पोर्शन है, चूंकि जब से चेंजिंग हुई, जब से बदलाव हुआ है, तो एनसीईआरटी जो प्री मेंस का जो वो है, या पीटी में भी देखेंगे आप, तो विश्व इतिहास से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। एक आध दो चार सवाल पूछ ही दिए जाते हैं, या मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, एनसीईआरटी का काम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि मेंस पे पकड़ बनाने में भी आपकी मदद करता है, या एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बनाने में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप, मेरा सजेशन है आपसे कि आप समकालीन विश्व का जो इतिहास है, एनसीईआरटी, ये ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। मार्केट में ये चीज़ें थोड़ा सा मिलने में दुश्वारी होती है, पुरानी जो किताब है वो मिल जाती है आसानी से अगर आप ढूंढेंगे। और ब्लैक स्वान करके भी एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है वो आ रही है, तो ब्लैक स्वान, बहुत से बच्चे ब्लैक स्वान लेके आते हैं। तो देखिए, ब्लैक स्वान कोई किताब नहीं है, बल्कि वो एनसीईआरटी है। इसको एक नए फ्लेवर में डाल दिया गया है, एक नया क्लेवर बना दिया गया उसका, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं बता रहा था आपसे यही चीज़ें कि यूपी, अच्छा, इसके बाद मान लीजिए, चलिए एनसीईआरटी जो चीज़ें, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, हर विषय का जो एनसीईआरटी है आप इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा जिस भी संस्थान से आप जुड़े हैं, मान लीजिए आप अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं, तो जिस टीचर से जो जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, वो उसके नोट्स जो है वो ज़रूर तैयार करने होते हैं। और मेरा मानना है कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने द्रोणाचार्य का नाम तो सुना होगा, सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं, है ना। तो द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है, द्रोणाचार्य जब
जंगल में ले गए अपने शिष्यों को, तो वहां पर एक बालक से उनकी मुलाकात हुई थी, है ना। वो बालक कौन था? एकलव्य। एकलव्य ने ऐसा तीर मारा था कि वो कुत्ते के मुंह में समा गया, कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया और उससे एक बूंद रक्त का जो कतरा है वो नहीं गिरा, यानी मुंह से एक बूंद खून नहीं गिरा। तो यहाँ पर अर्जुन ने जब देखा था उसको, उस कुत्ते को, तो अर्जुन के मुंह से निकला था कि गुरुदेव असंभव, ये तो संभव ही नहीं है कि कोई आदमी इतनी दूर से तीर मारे और जो कुत्ता है उसके मुंह से रक्त का एक टुकड़ा ना गिरे। तो हालांकि द्रोणाचार्य भी बड़ा अचंभित थे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कौन है। माना जाता था कि उस जमाने में हिंदुस्तान में, भारत में उतना बड़ा धनुर्धारी नहीं था द्रोणाचार्य की तरह। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि कोई तो है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जिसने भी ये तीर मारा हो वो तुरंत मेरे सामने आ जाए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम भारत के रहने वाले लोग, यहाँ गुरु का मतलब बहुत बड़ा होता है। गुरु का क्या मुकाम है ये एक भारतीय से बेहतरीन कौन समझता है? ये आप लोग समझते होंगे कि भारत में गुरु को क्या मकाम दिया गया। उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है, पूरी दुनिया में गुरु को एक दर्जा हासिल है। तो मैं आपसे बताऊं कि गुरु की आवाज़ को सुनना, गुरु बुला रहा है तो कोई स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। तो एक बालक दौड़ा हुआ आया और लोगों ने देखा कि शरीर का निचला हिस्सा कमर के नीचे उसने ढक रखा था, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली था। आके जो है उसने चरण स्पर्श किया, तो मैं आपसे बताऊं कि द्रोण ने पूछा कि वत्स तुम कौन हो? तो उस बच्चे ने बताया, उस बालक ने बताया कि गुरुदेव मेरा नाम एकलव्य है और आज से काफ़ी सालों पहले मैं आपके आश्रम में आया, लेकिन आपने मुझे ये कह के लौटा दिया कि यहाँ पर शूद्रों के लिए जगह नहीं है। लेकिन गुरुदेव मैंने भी ठाना था, मैंने गुरु आप ही को माना और आपकी एक प्रतिमा मैंने बनाई अपने झोपड़ी में, वो ले गया, ले आके दिखाया, कहा देखिए आपकी स्टैचू है। और स्टैचू के सामने वो और लगातार अभ्यास करता रहा। बताया जाता है उसने कहा कि मैं सुबह से, अगर कोई अभ्यास में शुरू करता था सुबह से शाम हो जाती थी, मैं अपने बाण को, धनुष को नहीं रखता था। ठीक है, तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की तरफ उन्होंने देखा और शिष्यों से कहा कि वत्स, अर्जुन की तरफ खास तौर से, कि वत्स पहली चीज तो तुम जान लो कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, नथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है। अब जो अभ्यास होता है वही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु होता है, अभ्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो बेटा मैं आप लोगों से बताऊं कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं करते, तो ये भी देख लेना कि सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अगर आपने अभ्यास किया तो ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे। तो जितने भी टीचरों से आपने अलग अलग विषय पढ़े हैं, है ना, वो विषय जो है आप दोहराइए एग्ज़ाम से पहले, और उस पर भी आप एनालिसिस करिए, मनन करिए, है ना। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी जो है, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करें, जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, जब हम लोगों की पढ़ाई चल रही थी, तो हमारे गुरु ने कहा था, जब उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करना चाहते, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आईएएस बनना चाहता, तो उन्होंने एक बात कहा, मुस्कुराया और कहा कि देखो तो आईएएस ही बनना बेटा, आईएएस जो है बाकी एग्जामों से 200 गुना आसान है। तो मैं बड़ा हैरान में था कि आईएएस टॉप लेवल की ये गवर्नमेंट की जॉब है और ये बाकी एग्जाम से 200 गुना आसान है। तो मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, गुरुदेव सही कह रहे थे, आसान इसलिए है कि सीधा सीधा यूपीएससी का फंडा है कि आप जो भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, आप चिंतन करिए, आप मनन करिए, किताबें कम से कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पढ़िए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने पूरी बुक की एकदम से बना लिया है अपने घर में लाइब्रेरी, और मार पढ़े जा रहे हैं, आना जाना कुछ नहीं। मेरे भाई मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लाइब्रेरी मत बनाओ, आप अपने कमरे में कुछ चुनिंदा किताबों को रखो और उन किताबों को बार बार पढ़ो। ये है यूपीएससी को क्रैक करने का सबसे शानदार जो है तरीका।
एनालिसिस करना ज़रूरी है बेटा, चिंतन और मनन करना ज़रूरी है। अगर आप मनन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिंतन और मनन से मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ बेटा। मसला ये होता है कि आप मान लो बचपन में कोई आपने फिल्म देखी है, थिएटर में गए हो, कोई फेवरेट फिल्म आई होगी, मान लो शोले देखी आपने, तो शोले को देखे हुए ज़माने गुजर गए, लेकिन आज भी उसके कैरेक्टर्स, उसकी सिचुएशन, उसकी कहानी सब कुछ आपको याद है। क्यों, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्यों याद है? फिल्म देखी आपने एक बार, चीज़ें आपको जवानी और बुढ़ापे तक याद है। बूढ़े लोग भी बताते हैं हमने ये फिल्म देखी, क्या फिल्म की स्टोरी थी, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप बताओ कैसे, हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल, कैसे संभव है ये कि आदमी एक बार फिल्म देखता है और जवानी बुढ़ापा सब याद रहता है? जानते हो जब आदमी फिल्म देखता है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ बेटा, जब आदमी फिल्म देखता है तो होता क्या है कि आपका जो दिमाग होता है ना, वो आपको उस फिल्म की दुनिया में लेके चला जाता है और दिमाग एनालिसिस करना शुरू करता है। क्योंकि जो फिल्म देखता है आदमी, तो फ्री माइंड होके जाता है, एकदम मजा लेने के लिए से जाता है, तो जो आपका दिमाग है उसको एनालिसिस करने लगता है, मनन करने लगता है और आपको उसी दुनिया में लेके चला जाता है। अब क्या होता है भाई, आपको उसी दुनिया में लेके चला गया तो होता ये है कि हीरो का बाप मर गया, हीरो को गोली लग गई, तो आप अपने अगल बगल देखोगे तो लोग रोते हुए दिखाई देते हैं, जोर जोर से कुछ लोग रोते हैं, तो बड़ा हैरत होता है कि हमारा यार ओरिजिनल तो बुढ़े मरा है, जबकि आप भी रोते हो ये जानते हुए कि हीरो नहीं मरा है, ही इज लाइफ, वो जिंदा है। क्यों रोते हो भाई? इसलिए कि आपको फीलिंग दिला दी गई है, आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो उस चीज को। मेरी बात क्लियर हो रही? कोई जोकर आपको हंसा रहा है थिएटर में आके पर्दे पे मार, लोग जोर जोर से हंसते हैं, ऐसा हंसते हैं कि जैसे लगता है यार कभी हंसे ही नहीं। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? जोर जोर से हंसते हैं। अब यहां पे प्रश्न पैदा होता है कि यार वो जोकर है, वो स्क्रीन पे, ही इज नॉट लाइव, बट यू आर लॉफिंग एंड लॉफिंग, वट इज द रीजन, क्या कारण है आप हंसे जा रहे हो? रीजन यही है कि आप फील कर रहे हो उस चीज। तो बस मैं यही बोल रहा था, जब आप किताबों को एनालिसिस करते हो, जब आप उसमें डूब जाते हो, तो आप उसके कैरेक्टर्स को फील करते हो, तो ऐसा लगेगा कि तराइन का युद्ध हो रहा है और गौरी तलवार चला रहे, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हो रहा है, घोड़े चल रहे हैं, ये सब फील होता है भाई। वो एक बार आपने पिक्चराइज कर लिया चीज़ को, फील कर लिया, तो आप पूरी जवानी, तो क्या बुढ़ापे में अपने बच्चों को, नाती पोतों को आप सुनाओगे कहानी? तो ये तरीका होता है बेटा पढ़ने का। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हम बहुत याद करते हैं बट भूल जाते हैं, हमें मतलब बताइए कैसे जो है हम लॉन्ग टाइम के लिए जो है चीज़ों को याद कर लें, कैसे हम, अगर आप रटोगे फैक्ट, तो फैक्ट क्या है, लाइक अ फ्रूट, फैट जो है फल की तरह होता है और कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो डलिया की तरह होता है। अगर आपके पास डलिया है तो फलों को सजा दो, ठीक है, लाइन बाय लाइन सजा दो, फल आपके बिखरेंगे नहीं। और अगर आपके पास डलिया नहीं है तो फल कहीं भी डालोगे वो सब बिखर जाएंगे, मतलब फैक्ट रटने से भूल जाते हैं, फैक्ट कभी तैयार नहीं होंगे। फैक्ट को कॉन्सेप्ट में अगर आप पिरो दोगे तो फैक्ट, जैसे मोती है ना बेटा, तो मोती को धागे में पिरो के लोग हार बना लेते, मोती का इंडिविजुअल जो अस्तित्व होता है, अगर आप 1000 मोती आपके पास हैं लेकिन आपने उसे धागे में नहीं पिरोया है, तो जैसे ही इसको हवा में उछालोगे जैसे ही, तो वो बिखर जाएंगे, वो आपके पास नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे बस यही ध्यान देना है, इसको समझना है कि आप जो है एनालिसिस ज़रूर करिए, इसका ज़रूर ख्याल रखिए। और मेरे हम लोग जब स्टडी कर रहे थे, जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं अपनी बात बताऊं कि हम लोग एक सीनियर आए हुए थे, वो IAS हुए थे, 7वें अटेम्प्ट में वो IAS हुए थे, तो एक बच्चे ने खड़े होकर सवाल किया कि सर ये बताइए 6 अटेम्प्ट में क्यों नहीं और 7वें में क्यों, कैसे आपने इससे पहले क्यों नहीं आपने क्वालिफाई किया? तो उन्होंने बताया कि बेटा सीधी सी बात बताऊँ, 6 अटेम्प्ट तक मैं सिर्फ पढ़ता था,
आई वॉज रीडिंग एंड रीडिंग, सिर्फ मैं पढ़ता था, लेकिन सातवें अटेम्प्ट में मैंने मनन करना शुरू किया, मैंने सोचना शुरू किया, और देन उसके बाद में एक आईएएस ऑफिसर के रूप में आपके सामने खड़ा। तो मेरी बात बेटा क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से अपनी जो बात है वो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी इज़ अ बैकबोन, है ना, ऑफ द स्टडी, उसको पढ़ना है, और कक्षा छः से बारह की एनसीईआरटी पढ़नी है। घबराना नहीं है बेटा, घबराने से कुछ हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और प्री निकल लिया गया किसी तरह रटा उटा मार के तो मेंस तो फेल नथिंग। तो मैं यही कहूँगा कि पीटी भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए, और फाइनल भी होना चाहिए। और साथ में मुझे ध्यान आ रहा है किसी ने लिखा है कि साहिल पे रोज़ एक घरौंदा बना के देख, साहिल माने किनारा होता है, साहिल पे रोज़ एक घरौंदा बना के देख, लहरें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन पर, और जब से चला हूँ मैं मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे जो मिले हैं विरासत नहीं मेरे, अरे तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि सिस्टमेटिकली आपको वर्क करना है, हौसला नहीं हारना है, क्योंकि परेशानियाँ आती हैं इंसान को मजबूत बनाने के लिए। जो ज़िंदा होता है तकलीफ उसी को होता है, और मुर्दा लोगों को, भाई मुर्दा लोगों की लाइफ अलग है ना। तो आप रास्ते में दिक्कतें आएंगी, घबराना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि अगर आपको कुछ भी दिखाई ना दे तो आप उतना आगे बढ़िए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, फिर आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा लगा बेटा मेरा ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो मैं आप लोगों को के लिए ले आया था, UPSC CSE हिंदी प्री के लिए एक सजेशमेंट था मेरा, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको ज़रूर कामयाबी मिले। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।